नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की इस यूट्यूब ऑडियो विजुअल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, ये सब राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के जो सकारात्मक पहल है उसके वजह से हो पा रहा है। तो अगर आप दोस्तों हमसे ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और पल पल की अपडेट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक नंबर अगला पुस्तकालय वर्गीकरण की। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक नंबर 7 है पुस्तकालय वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण की पद्धतियां कौन सी है, कौन सी इसकी विधियां हैं, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा और लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों ज्यादा समय न गवाते हुए सीधा बात करते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस भाषा से हुई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्त सभी, 2 सेकंड का वक्त है आपके पास। जहां दोस्तों क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, क्लासिक से। वस्तुओं को समानता और भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है, किसका कथन है, यानी कि वस्तुओं को उनकी समानता और भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण या व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है, यह मार्गेट मान का कथन है। दोस्तों वर्गीकरण को मानसिक प्रक्रिया किसने कहा, सेयर्स मॉर्दे ने वर्गीकरण को दोस्तों मानसिक प्रक्रिया बोला है। प्राचीन रोम में संपत्ति एवं महत्व के आधार पर के अनुसार मनुष्य की श्रेणियों में भेद करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, वर्गीकरण या समूहीकरण का प्रयोग किया जाता था। पुस्तकालय वर्गीकरण अपरिवर्तित अथवा समान विषयों पर रचित पुस्तकों को एकत्रित करने का कार्य, यह किसका कथन है, यह कथन सीए कटर का है। वर्गीकरण शब्द के विकास को 3 अवस्थाओं में किस विद्वान ने बांटा है, दोस्तों मैं बता दूं कि हेनरी ई विल्स है जिन्होंने वर्गीकरण शब्द के विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। हेनरी ई विल्स अमेरिकी ग्रंथपाल हैं दोस्तों। वर्गीकरण के विकास को हेनरी ई विल्स ने 3 अवस्थाओं में बांटा है और हेनरी ई विल्स हैं वो अमेरिकी ग्रंथपाल हैं। दोस्तों हेनरी ई विल्स ने वर्गीकरण के विकास को किन 3 अवस्थाओं में बांटा है, तो मैं बता दूं कि निम्न 3 अवस्थाओं में बांटा है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में हेनरी ई विल्स ने वर्गीकरण के विकास को बांटा है। हेनरी ई विल्स के अनुसार किस अवस्था में विभिन्न वस्तुओं को संबंधित वर्गों में रखा जाता है जो चुने हुए विस्तृत एवं स्थायी होते हैं, प्रथम अवस्था में। दोस्तों प्रथम अवस्था है ऐसी अवस्था है जिसमें विभिन्न वस्तुओं को संबंधित वर्गों में रखा जाता है जो चुने हुए विस्तृत एवं स्थायी होते हैं। हेनरी ई विल्स के अनुसार किस अवस्था में बहुत सी वस्तुओं में से विशेषताओं के आधार पर वर्गों अथवा उपवर्गों का निर्माण किया जाता है, द्वितीय अवस्था में। हेनरी ई विल्स के अनुसार समस्त वर्गों और उपवर्गों को नियमों के अनुसार क्रमबद्ध करने की अवस्था है वर्गीकरण अवस्था। हेनरी ई विल्स के अनुसार वर्गीकरण अवस्था है तृतीय अवस्था। हेनरी ई विल्स के अनुसार वर्ग यानी कि जो उपवर्ग होता है उसका निर्माण की अवस्था है द्वितीय अवस्था। पुस्तकों को सेल्फों पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की कला ही पुस्तकालय वर्गीकरण है, ये कथन किसका दोस्तों, एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। पुस्तकों को सेल्फों पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करने की कला ही पुस्तकालय वर्गीकरण है, यह कथन सेयर्स मोदे का है। पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों को उचित स्थान पर व्यवस्थित करने की कला है, यह कथन किसका है, यह W.S. मेरिल का कथन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों को उचित स्थान पर रखने की कला है, W.S. मेरिल का कथन। इसके अलावा पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने का यांत्रिक कार्य है, यह कथन J.S. मिल्स का है। पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने का यांत्रिक कार्य है, J.S. मिल्स ने ऐसा कहा है। दोस्तों पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को
अधिमन ने कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना पुस्तकालय वर्गीकरण है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन रंगनाथन महोदय का है। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को अधिमन ने कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय, यह कथन डॉक्टर रंगनाथन साहब का है। इसके अलावा पाठकों को सूची पत्र से ग्रंथ तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? वर्गीकरण के द्वारा। पाठकों को पुस्तकालय में प्रलेख के निर्धारित स्थान के बारे में सूचना कौन देता है? वर्गीकरण। किस प्रक्रिया द्वारा सभी पुस्तकों को एक वर्ग संख्या प्रदान की जाती है? वर्गीकरण द्वारा। विशिष्ट विषय यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ग संख्या किस प्रकार का वर्गीकरण है? दोस्तों विशिष्ट विषय प्लस वर्ग संख्या इज इक्वल टू ज्ञान का वर्गीकरण, यानी कि जो विशिष्ट विषय है और अपन इसमें वर्ग संख्या यानी कि क्लास नंबर मिला दें तो क्या बनता है? वो होता है ज्ञान का वर्गीकरण। ग्रंथ की विशिष्ट आकृति स्पेसिफिक फीचर ऑफ बुक प्लस ग्रंथ संख्या यानी कि बुक नंबर किस प्रकार का वर्गीकरण है? ग्रंथ की विशिष्ट आकृति यानी कि स्पेसिफिक फीचर ऑफ बुक प्लस ग्रंथ संख्या यानी कि बुक नंबर ग्रंथ का वर्गीकरण है। ज्ञान प्लस ग्रंथ वर्गीकरण क्या कहलाता है? ग्रंथालय का वर्गीकरण कहलाता है, यानी कि ज्ञान को ग्रंथ के वर्गीकरण में मिलाते हैं तो वो ग्रंथालय का वर्गीकरण कहलाता है। दोस्तों ये दोस्तों सामान्य प्रश्न है, यानी कि जो वर्गीकरण का है जो सामान्य परिचय है उससे बनने वाले प्रश्न है। इसके अलावा पुस्तकालय के वर्गीकरण के अलावा कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। दोस्तों वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है या किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं कि वर्गीकरण का पिता अरस्तु को माना जाता है या कहा जाता है। सर्वप्रथम वर्गीकरण का व्यवस्थित विचार किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु के द्वारा। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको उत्तर देना है, आपको 5 सेकंड मिलेंगे। निम्नांकित में से पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्व हैं, ए है अंकन यानी कि नोटेशन तथा स्वरूप विभाजन, बी है सामान्य वर्ग यानी कि जनरलिया क्लास, सी है सूची तथा क्रमांक संख्या और डी है उपरोक्त सभी। 5 सेकंड है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ये तत्व माने जाते हैं। वर्गीकरण में वर्गों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त अंकों की विधि को अंकन या नोटेशन कहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर रंगनाथन साहब का है। किसके अभाव में वर्गीकरण संभव नहीं है? अंकन या नोटेशन के अभाव में वर्गीकरण संभव नहीं है। स्वरूप विभाजन या फॉर्म डिविजन का प्रयोग DDC के किस संस्करण में किया गया? द्वितीय संस्करण में किया गया है। जिन पुस्तकों को किसी वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता उन्हें शामिल किया जाता है सामान्य वर्ग में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एनक्लोसाइपीडिया, बिब्लियोग्राफीज और जर्नल्स। इंडेक्स शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना? इंडिकेट से। इंडेक्स शब्द लैटिन भाषा के इंडिकेट शब्द से बना है। इंडिकेट शब्द से क्या अभिप्राय? इंडिकेट शब्द से अभिप्राय है कि संकेत देना या निर्देश करना। इंडेक्स का प्रयोग किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में किया जाता है? लगभग सभी प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों में किया जाता है। इंडेक्स या सूची प्राय कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मैं बता दूं कि इंडेक्स या सूची प्राय 2 प्रकार की होती है, एक विशिष्ट इंडेक्स यानी कि स्पेसिफिक इंडेक्स और दूसरा होता है सापेक्षिक या रिलेटिव इंडेक्स। किस प्रकार की सूचियों में उल्लेखित पदों के लिए केवल एक प्रविष्टि दी जाती है? विशिष्ट इंडेक्स के लिए, स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए। अनुसूची में उल्लेखित समस्त विषयों का वर्णन किस सूची में होता है? सापेक्षिक सूची या रिलेटिव इंडेक्स में। अंकन एक संक्षिप्त शब्द है, यह कथन किसका है? रिचर्डसन का यह कथन है कि अंकन एक संक्षिप्त शब्द है। वर्गीकरण के लिए निर्दिष्ट चिन्हों को अंकन कहा जाता है, यह कथन मार्गेट मान का है। दोस्तों वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त किए जाने वाले अंकन या नोटेशन कितने प्रकार के होते हैं? नोटेशन 2 प्रकार के होते हैं जो वर्गीकरण पद्धति में काम में लिए जाते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। इसके अलावा किस प्रकार के अंकन में केवल एक ही तरह का चिन्ह अंकन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? शुद्ध अंकन में 0 से 9 तथा A से Z, 0 से 9 तक या A से Z तक दोनों में से
किसी एक ही प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किस तरह के अंकन में किया जाता है दोस्तों, शुद्ध अंकन में, या तो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है या ऐसे जेड अक्षरों का एक ही का प्रयोग किया जाता है शुद्ध अंकन में। कई तरह के अंकनों का एक साथ प्रयोग किस प्रकार के अंकन में किया जाता है, मिश्रित अंकन में। दोस्तों 0 से 9 तक, 7 में ए से जेड तक या अन्य चिन्ह जैसे कोमा कोलन इत्यादि का एक साथ प्रयोग किस प्रकार के अंकन में किया जाता है, मिश्रित अंकन में किया जाता है। रंगनाथन ने डबल सी में किस अंकन पद्धति का प्रयोग किया है, मिश्रित अंकन का। अधिक जटिल किंतु अधिक उपयोगी अंकन पद्धति मिश्रित अंकन पद्धति है दोस्तों। डीवी दशमलव वर्गीकरण DDC में किस अंकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, शुद्ध अंकन का। पुस्तकों को किस क्रम में व्यवस्थित करने हेतु कृत्रिम अंक प्रदान किया जाता है, निश्चित सहाय क्रम में। कृत्रिम अंकों को दोस्तों कोल नंबर कहा जाता है। पुस्तकों को निश्चित सहाय क्रम में व्यवस्थित रखने के लिए कृत्रिम अंक प्रदान किए जाते हैं और कृत्रिम अंकों को ही दोस्तों कोल नंबर कहा जाता है। इसके अलावा पुस्तकों को प्रदान किए जाने वाले कृत्रिम अंक क्या कहे जाते हैं, क्रमांक संख्या या कोल नंबर कहलाते हैं। पुस्तकालय में एक प्रलय की अन्य प्रलय के मध्य तथा सूची में किसी प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टि के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्रमांक संख्या कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा डॉक्टर रंगनाथन साहब द्वारा दी गई है। क्रमांक संख्या पर परिभाषा किसने दी, डॉक्टर रंगनाथन साहब द्वारा दी गई है परिभाषा क्रमांक संख्या पर। क्रमांक संख्या के कितने भाग या तत्व होते हैं, क्रमांक संख्या के 3 भाग या तत्व होते हैं। पहला है वर्गांक यानी कि क्लास नंबर, दूसरा है ग्रंथांक यानी कि बुक नंबर और तीसरा संग्रहांक यानी कि कलेक्शन नंबर। क्रमांक संख्या के 3 भाग या तत्व होते हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। एक वर्गीकरण पद्धति में किसी विशिष्ट विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंकनों को क्या कहा जाता है, दोस्तों सांकेतिक अंकों को वर्गांक या क्लास नंबर कहा जाता है। किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है, यह कथन किसका है, ये कथन डॉक्टर रंगनाथन साहब का है। पुस्तकों की विशेषताओं जैसे लेखक स्वरूप भाषा प्रकाशन वर्ष खंड इत्यादि के आधार पर प्रदान की जाने वाली क्रमांक संख्या क्या कहलाती है, ग्रंथांक या बुक नंबर कहलाती है। पुस्तकालय में एक ही विषय से संबंधित समान वर्ग संख्या वाली कई पुस्तकें एकत्रित हो जाती है जिन्हें फलकों पर सहायक क्रम में व्यवस्थित करना कठिन हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने हेतु किस क्रमांक संख्या का प्रयोग किया जाता है, ग्रंथांक या बुक नंबर का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे किया जाता है। लेखक के नाम के आधार पर ग्रंथांक निर्मित करने हेतु प्रयुक्त विधि कुल नाम या सरनेम विधि। लेखक के कुल नाम के आधार पर ग्रंथांक निर्मित करने हेतु प्रयुक्त विधि कुल नाम या सरनेम विधि। कुल नाम विधि के द्वारा ग्रंथांक निर्मित करने हेतु लेखक के संपूर्ण नाम को किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, प्रथम 3 अक्षरों का दोस्तों प्रयोग किया जाता है सरनेम विधि में। इसके अलावा रंगनाथन की पुस्तक के लिए ग्रंथांक निर्मित करने हेतु सरनेम विधि के अनुसार उनके संपूर्ण नेम रंगनाथन के किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, RAN जो प्रथम 3 अक्षर है उनका प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तक संग्रह की जानकारी किस क्रमांक संख्या द्वारा प्राप्त की जाती है, संग्रहांक या कलेक्शन नंबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है सामान्य आकार से भिन्न आकार में प्राप्त पुस्तकों जैसे माइक्रोफिल्म, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड्स, माइक्रोकार्ड के संग्रह का स्थान किस क्रमांक संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है, संग्रहांक या कलेक्शन नंबर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वर्गीकरण पद्धतियों के संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान समय में पुस्तकालय वर्गीकरण हेतु प्रचलित प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी है, DDC, CC, UDC तथा LCC यानी कि जो 4 पद्धतियां वो प्रमुख रूप से प्रचलित हैं, DDC, CC, UDC तथा LCC। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, दोस्तों आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का जनक मेलविल डीवी साहब को कहा जाता है।
डीडीसी का पूरा नाम डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन को कब और किसके द्वारा विकसित किया गया? 1873 में मेलविल डीवी साहब द्वारा। डीडीसी को पहली बार प्रकाशित कब किया गया? सन 1876 में। पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मेलविल डीवी को। ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट ऑफ ए लाइब्रेरी शीर्षक से डीडीसी का कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? दोस्तों पहला संस्करण प्रकाशित हुआ 1876 में इस नाम से। किस नाम से? ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट ऑफ ए लाइब्रेरी शीर्षक के नाम से पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके अलावा डीडीसी का पहला संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ? 44 पृष्ठों में। डीडीसी के अब तक कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी के अब तक 23 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। डीडीसी के ऑनलाइन उपलब्ध संस्करण कौन से हैं? डीडीसी के ऑनलाइन उपलब्ध संस्करण डीवी फॉर विंडोज, वेब डीवी, सीडीरोम इत्यादि। किस वर्गीकरण पद्धति के उद्भव से आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण की शुरुआत मानी जाती है? डीडीसी के। रंगनाथन द्वारा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण पद्धतियों को प्रमुख रूप से किन दो प्रजातियों में बांटा है? दोस्तों रंगनाथन साहब द्वारा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण पद्धतियों को प्रमुख रूप से निम्न दो प्रजातियों में बांटा जाता है, परिगणनात्मक और पक्षात्मक पद्धति। परिगणनात्मक वर्गीकरण प्रणाली के कितने प्रकार हैं? परिगणनात्मक वर्गीकरण प्रणाली के दो प्रकार हैं, शुद्ध परिगणनात्मक और लगभग शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति। किस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति में प्रलेखों के पक्षों को आधार बनाया जाता है? पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति में। सभी विषयों की बनी बनाई यानी कि रेडीमेड वर्ग संख्या किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध होती है जिससे किसी तरह के जोड़ या घटाव की अनुमति नहीं रहती? शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यानी कि LCC। LCC शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। किस वर्गीकरण पद्धति की वर्ग संख्या में विषय की प्रकृति के अनुसार जोड़ घटाव की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाती है? लगभग शुद्ध परिगणनात्मक पद्धति में। दोस्तों लगभग शुद्ध परिगणनात्मक वर्गीकरण पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण DDC। पक्षात्मक वर्गीकरण प्रणाली के कितने प्रकार हैं? दोस्तों पक्षात्मक वर्गीकरण प्रणाली के चार प्रकार हैं, लगभग पक्षात्मक, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक और चौथा है पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति। लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के निर्माता कौन थे? डॉक्टर रंगनाथन साहब थे अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के निर्माता। अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण CC का प्रथम संस्करण। किस वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पूर्व निर्धारित फैसेट में बांटा जाता है? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण में। फैसेट सीक्वेंस का पूर्व निर्धारण किस पद्धति में कर लिया जाता है? अपरिवर्तनीय पक्षात्मक वर्गीकरण में। इसके अलावा किस वर्गीकरण पद्धति में वर्ग संख्या लगभग बनी बनाई होती है किंतु फिर भी उसके पक्षात्मक वर्गीकरण का गुण पाया जाता है? लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण में। किस वर्गीकरण पद्धति में पूर्व निर्धारित फैसेट के लिए अलग अलग इंडिकेटर डिजिट यानी कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण में। इसके अलावा लगभग मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण का श्रेष्ठ उदाहरण CC का चौथा, पांचवा और छठवां संस्करण। कोलन क्लासिफिकेशन के सातवें संस्करण को किस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण के अंतर्गत। किस वर्गीकरण पद्धति में फैसेट सीक्वेंस का निर्धारण बाद में किया जाता है? पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक वर्गीकरण में। किस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत ज्ञान जगत को A से Z तक मुख्य वर्गों में बांटा जाता है? LCC में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालयों तथा विश्व के अनेक पुस्तकालयों द्वारा प्रयुक्त वर्गीकरण पद्धति LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन।
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का विकास कब हुआ? सन 1905 में। यूडीसी का पूरा नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन या यूडीसी का हिंदी रूपांतरण सार्वभौमिक वर्गीकरण पद्धति। यूडीसी किस वर्गीकरण पद्धति का विस्तार है? डीवी दशमलव वर्गीकरण का। सन 1895 में ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप यूडीसी का उद्भव हुआ? आईआईबी यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप यूडीसी का उद्भव हुआ। यूडीसी का निर्माण बेल्जियम के किन दो निवासियों द्वारा किया गया? यूडीसी का निर्माण बेल्जियम के पोल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन द्वारा किया गया। फीड के लिए हेनरी ला फाउंटेन व पोल आउटलेट द्वारा किस सूक्ष्म वर्गीकरण पद्धति का आविष्कार किया गया? यूडीसी का। यूडीसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण कब और किस भाषा में प्रकाशित हुआ? यूडीसी का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है वो 1905 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा यूडीसी का प्रथम संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित है? यूडीसी का जो पहला संस्करण है वो डीडीसी के पांचवें संस्करण पर आधारित है। मैनुअल द रिपर्टायर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल क्या है? यूडीसी का पहला संस्करण है। अब तक यूडीसी के कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? अब तक दोस्तों यूडीसी के 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यूडीसी के जो 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं उसमें 4 तो पूर्ण संस्करण व 3 संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हुए हैं। यानी कि टोटल जो 7 संस्करण प्रकाशित हुए हैं यूडीसी के उसमें 4 पूर्ण संस्करण है और 3 संक्षिप्त संस्करण है। दोस्तों जो पुस्तकालय वर्गीकरण के हैं, जो एक थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुस्तकालय वर्गीकरण है इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं और बहुत ही बढ़िया वेटेज भी इसका एग्जाम में रहता है। तो दोस्तों अब आगे डिस्कस करते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण में द्विबिंदु वर्गीकरण यानी कि सीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है द्विबिंदु। इसके अलावा दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो रंगनाथन द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पक्षों यानी टेसिट में बांटकर उसे जोड़ने के लिए कोलन योजक चिन्हों का प्रयोग किया द्विबिंदु वर्गीकरण में? रंगनाथन के अनुसार किसी भी विषय के मूल रूप से कितने पक्ष होते हैं? दोस्तों रंगनाथन महोदय के अनुसार किसी भी विषय के मूल रूप से 5 पक्ष होते हैं। पहला है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, दूसरा तत्व यानी कि मैटर, तीसरा ऊर्जा एनर्जी और चौथा स्थान यानी कि स्पेस और पांचवा काल या टाइम। इसके अलावा रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित विषय के 5 मूल पक्षों को किस सूत्र के आधार पर चित्रांकित किया जाता है? तो उसका है PMEST के आधार पर, यानी कि P का मतलब पर्सनैलिटी, M का मतलब मैटर, E का एनर्जी, S का स्पेस और T का टाइम। PMEST के प्रतिपादक कौन है? रंगनाथन महोदय PMEST के प्रतिपादक हैं। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण की शुरुआत किस वर्गीकरण पद्धति के उद्भव से मानी जाती है? डीडीसी के। डीडीसी के प्रथम संस्करण का संपादक कौन था? मेलविल डेवी। डीडीसी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सन 1885 में। डीडीसी का तीसरा संस्करण सन 1888 में। डीडीसी के दूसरे और तीसरे संस्करण का संपादक कौन था? दूसरे संस्करण का जो संपादक है वो मेलविल डीवी और तीसरे संस्करण का जो संपादक है वो WS बिस्को है। डीडीसी का दोस्तों 22वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? डीडीसी का जो 22वां संस्करण है वो सन 2003 में प्रकाशित हुआ। डीडीसी का 23वां संस्करण सन 2011 में। डीडीसी के 22वें और 23वें संस्करण का संपादन किसने किया? तो मैं बता दूं कि 22वें और 23वें संस्करण है जो डीडीसी का उसका संपादन माइकल पंजर ने किया। डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? डिचोटोमी यानी कि जो डीडीसी में संपूर्ण ज्ञान जगत को विभाजित करने के लिए डिचोटोमी विधि का प्रयोग किया गया। डीडीसी के द्वारा संपूर्ण विषय जगत को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 10 भागों में।
शेड्यूल के साथ साथ इंडेक्स का भी प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया? तो दोस्तों मैं बता दूं कि शेड्यूल के साथ इंडेक्स का भी प्रयोग प्रथम संस्करण में किया डीडीसी के। डीवी द्वारा फॉर्म डिवीजन का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में किया गया? दूसरे संस्करण में। डीडीसी के किस संस्करण में सर्वप्रथम टेबल का प्रयोग किया गया? 14वें संस्करण में। डीडीसी के 14वें संस्करण में प्रयुक्त टेबल की संख्या कितनी थी? 4। सर्वप्रथम डीडीसी के किस संस्करण को दो खंडों यानी कि दो वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया? 14वें संस्करण को। डीडीसी के किन संस्करण को तीन खंडों में प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों डीडीसी का जो संस्करण है तीन खंडों में प्रकाशित हुआ वो है 18वां, 19वां, 20वां और 21वां संस्करण, वो तीन खंडों में प्रकाशित हुए। डीडीसी का 22वां और 23वां संस्करण को कितने खंडों में प्रकाशित किया? 4 खंडों में प्रकाशित किया। पहला खंड था टेबल के रूप में, दूसरा शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल और चौथा इंडेक्स, यानी कि दोस्तों डीडीसी का जो 22वां और 23वां संस्करण है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। पहला खंड था टेबल, दूसरा शेड्यूल, तीसरा भी शेड्यूल और चौथा था इंडेक्स। डीडीसी का 14वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सन 1942 में। डीडीसी के 14वें संस्करण के संपादक मेजनी व गेटचेल थे। डीडीसी 16 से 20 के संस्करण का संपादक कौन था? बेंजामिन ए कस्टर था। यानी कि 16 से लेकर डीडीसी के 20 संस्करण तक जो संपादक था वो था बेंजामिन ए कस्टर। डीडीसी के किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया? शुद्ध अंकन का। डीडीसी का जो 23वां संस्करण है के प्रथम खंड में नोटेशन के लिए टेबल दी गई है जिसका उपयोग वर्ग संख्या बताने के लिए किया जाता है। इनमें टेबल की संख्या कितनी दी? 6 टेबल दी दोस्तों इसमें। डीडीसी का जो 24वां संस्करण है के प्रथम खंड में सर्वप्रथम 23वें संस्करण की विशेषताओं का वर्णन है। विशेषताओं के बाद किसका वर्णन किया गया? प्रस्तावना का। डीडीसी के किस खंड में 000 से लेकर 599 तक का ज्ञान संगठित है? द्वितीय खंड में। डीडीसी के द्वितीय खंड को कितनी मेन क्लास में विभाजित किया गया? दोस्तों मैं बता दूं कि डीडीसी के जो द्वितीय खंड है उसको 6 मेन क्लास में विभाजित किया गया है। पहला है 000, बाद में 100, 200, 300, 400 और 500। प्रत्येक मेन क्लास को कितनी सब क्लास में वर्गीकृत किया गया है? तो प्रत्येक मेन क्लास है दोस्तों उसको 10 सब क्लास में विभाजित किया गया है। द्वितीय खंड की कौन सी मेन क्लास सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? 300। जो द्वितीय खंड की जो मेन क्लास नंबर 300 है वो सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। द्वितीय खंड की कौन सी मेन क्लास जनरल वर्क कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन से संबंधित है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि 000 है वो जनरल वर्क कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन से संबंधित है। मेन क्लास जो 200 है वो धर्म से संबंधित है दोस्तों। मेन क्लास जो 100 है वो फिलोसफी और साइकोलॉजी से संबंधित है। मेन क्लास 400 भाषा से संबंधित है। मेन क्लास 500 प्योर साइंस से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों डीडीसी का जो 23वां संस्करण है किस खंड में 600 से लेकर 999 तक ज्ञान का संगठन वर्णित है? तृतीय खंड में। डीडीसी का जो तीसरा खंड है उसमें कितनी मेन क्लास वर्गीकृत है? 4 मेन क्लास वर्गीकृत है, 600, 700, 800 और 900। तृतीय खंड की मेन क्लास 600 का संबंध किससे? टेक्नोलॉजी यानी कि अप्लाइड साइंस से। तीसरे खंड की मेन क्लास 700 का संबंध दार्थ से। तृतीय खंड की मेन क्लास 800 का संबंध साहित्य से। तृतीय खंड की मेन क्लास 900 का संबंध भूगोल एवं इतिहास से है दोस्तों। प्रत्येक मेन क्लास को 10 सब क्लास तथा प्रत्येक सब क्लास को 10 सब क्लास फिर 10 सब क्लास, यह वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है। किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता? यानी मेन क्लास को पहले 10 सब क्लास में बांटा गया, बाद में 10 सब क्लास को वापस से 10 सब क्लास में बांटा गया, फिर उन 10 सब क्लास को वापस से 10 सब क्लास में बांटा गया। यह दोस्तों डीडीसी की विशेषता है। डीडीसी में कुल मेन क्लास द्वितीय व तृतीय खंड को मिलाकर कितनी है? 10 मेन क्लास। डीडीसी के किस खंड में विषयों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? चतुर्थ खंड में। दोस्तों आप जानते हैं कि डीडीसी के कुल मेन क्लास जो 10 है द्वितीय व तृतीय खंड को मिलाकर वो 000 से शुरू होकर 900 तक है। डीडीसी के किस खंड में विषयों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? चतुर्थ खंड को। डीडीसी के किस खंड में विषयों के वर्णानुक्रम
व्यवस्थित होने के कारण हम आसानी से संबंधित विषयों तक पहुंच सकते हैं। चतुर्थ खंड, रिलेटिव इंडेक्स का संबंध डीडीसी के किस खंड से है? चतुर्थ खंड से। डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? परिगणनात्मक। इंडो अरेबिक नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया गया? डीडीसी में। डीडीसी में एकमात्र किस नोटेशन का प्रयोग स्वीकार किया जाता है? इंडो अरेबिक नंबर का, यानी कि डीडीसी में इंडो अरेबिक नंबर का ही प्रयोग स्वीकार किया गया है। मेलविल डीवी द्वारा फिक्स लोकेशन के स्थान पर किस लोकेशन का प्रयोग डीडीसी में किया गया? रिलेटिव लोकेशन का। मेलविल डीवी द्वारा मिनट डिवीजन का प्रावधान किस वर्गीकरण में किया? डीडीसी में। डीडीसी के 18वें से 21वें संस्करण तक कितनी टेबल का प्रयोग किया गया? 7 टेबल का प्रयोग यहाँ पे किया गया। डीडीसी में प्रयुक्त अनुक्रमणिका इंडेक्स है सापेक्षिक अनुक्रमणिका। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम किसे कहा जाता है? डीडीसी को। किस प्रकार की अनुक्रमणिका में समस्त विषयों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सापेक्षिक अनुक्रमणिका या रिलेटिव इंडेक्स में। यूडीसी का 4वां पूर्ण संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1943 में। यूडीसी का 4वां पूर्ण संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन से। यूडीसी का जो 4वां संस्करण है किस भाषा में प्रकाशित हुआ? अंग्रेजी भाषा में दोस्तों प्रकाशित हुआ। इसके अलावा यूडीसी के 3 संक्षिप्त संस्करण या अनुवाद संस्करण कब कब प्रकाशित हुए? तो दोस्तों मैं बता दूं, जो यूडीसी के 3 संक्षिप्त संस्करण है, पहला जो संस्करण प्रकाशित हुआ 1948 में, दूसरा 1957 में और तीसरा 1961 में प्रकाशित हुआ। यूडीसी का जो 3रा पूर्ण संस्करण जर्मन भाषा में कब प्रकाशित हुआ? सन 1934 में। यूडीसी का 2रा पूर्ण संस्करण फ्रेंच भाषा में सन 1927 से 33वीं ईस्वी तक। यूडीसी को संरचना की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? तो दोस्तों यूडीसी को संरचना की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया, पहला ज्ञान जगत का विभाजन और दूसरा अल्फाबेटिक सब्जेक्ट इंडेक्स का विभाजन। यूडीसी के प्रथम भाग में संपूर्ण ज्ञान जगत को कितने भागों में विभाजित किया है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यूडीसी के प्रथम भाग को संपूर्ण ज्ञान जगत के लिए 2 भागों में बांटा है, सिस्टमेटिक टेबल 0 से 9 और ऑक्सिलरी टेबल जिसमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यूडीसी के द्वितीय भाग अल्फाबेटिक सब्जेक्ट इंडेक्स का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों मैं बता दूं कि यूडीसी के द्वितीय भाग का अल्फाबेटिक सब्जेक्ट इंडेक्स का प्रकाशन 1988 में हुआ। यूडीसी के किस भाग में विषयों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के साथ ही समानार्थी यानी कि सिनोनिम शब्द का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय भाग में। यूडीसी में कितने प्रकार की ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यूडीसी में 2 प्रकार की ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग किया जाता है, कॉमन और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। किस प्रकार के टेबल का प्रयोग यूडीसी के स्वरूप को डीडीसी से अलग करता है? ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग। यूडीसी में डीडीसी की भांति संपूर्ण ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया? 10 मुख्य वर्गों में यहाँ पे बांटा गया दोस्तों ज्ञान जगत यूडीसी में डीडीसी की भांति ज्ञान जगत को। यूडीसी में किस प्रकार के इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि सापेक्षिक अनुक्रमणिका या रिलेटिव इंडेक्स का यूडीसी में प्रयोग किया जाता है। यूडीसी में विभिन्न पदों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर डिजिट का। यूडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित अंकन का। प्रमुख पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? कोलन क्लासिफिकेशन। सीसी में अब तक कुल कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? सीसी के 7 संस्करण दोस्तों अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। सीसी के अब तक प्रकाशित 7 संस्करणों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3 वर्गों में। पहला जो है वर्जन फर्स्ट रिजिट्री फैसिडेट, दूसरा वर्जन एनालिटिको सिंथेटिक, तीसरा वर्जन 3 फ्रीली फिस्टेटेड। सीसी का पूरा नाम दोस्तों आप जानते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन है। सीसी के 3 संस्करण को प्रथम वर्ग में रखा जाता है, कौन से हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। सीसी के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? 1933 में। सीसी के दूसरे संस्करण का प्रकाशन सन 1939 में। सीसी के तीसरे संस्करण का प्रकाशन सन 1950 में हुआ। दोस्तों सीसी के किन संस्करणों में फैसेट का पूर्व निर्धारण किया गया? प्रथम 3 संस्करणों में। सीसी के किस वर्ग में रिजिडिटी फैसेट पद्धति का प्रयोग किया गया? प्रथम वर्ग में। इसके अलावा
सीसी के किस वर्ग में एनालिटिक को सिंथेटिक पद्धति का प्रयोग किया? द्वितीय वर्ग में। सीसी के तृतीय वर्ग में किस पद्धति का प्रयोग किया? फ्रीली फेसेटेड का। कोलन क्लासिफिकेशन के किन संस्करणों को दूसरे वर्ग में शामिल किया गया है? चौथे, पांचवे और छठवें संस्करण को। इसके अलावा दोस्तों इस में जो वीडियो क्लास में पुस्तकालय वर्गीकरण लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम फाइट कर रहे हो, चाहे वो आरएसएस बोर्ड का फाइट कर रहे हो, आरपीएससी का, या चाहे केवीएस का हो, एनवीएस का हो, नेट का हो, या डीएसएसबी का हो, या आप किसी भी स्टेट की लाइब्रेरी के एग्जाम कर रहे हो उसका हो, तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको किसी भी प्रकार की ये बुक में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जैसा कि हमने दोस्तों आपके लिए तैयार करवाए हैं ये क्वेश्चन। दोस्तों जो डबल नेट क्वालिफाई है, जो नेट जीआरएफ है, उनके द्वारा तैयार की गई है, फैकल्टी द्वारा तैयार किए गए हैं, तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ के यूट्यूब के माध्यम से ये आपके लिए ऑडियो विजुअल क्लास में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों सीसी के किस संस्करण को तीसरे वर्ग में शामिल किया गया है? सातवें संस्करण को। सीसी का चौथा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सन 1952 में। सीसी के किस संस्करण में प्रत्येक फैसेट के लिए अलग अलग योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थ संस्करण में। फैसेट को जोड़ने के लिए कोलन का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया? पहले जो संस्करण है सीसी का उसमें किया गया यहाँ पे इन चिन्हों का प्रयोग, ताकि फैसेट को जोड़ा जाए। फेज या चरणों की अवधारणा का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया? दोस्तों प्रथम संस्करण में यहाँ पे किया गया। इसके अलावा फैसेट के पूर्व निर्धारण के स्थान पर लेवल ऑफ फैसेट तथा राउंड का प्रयोग सीसी के किस वर्ग में किया गया? दूसरे वर्ग में। सीसी का पांचवा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? सन 1957 में। सीसी का छठवा संस्करण सन 1960 में प्रकाशित हुआ। सीसी यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन का सातवा संस्करण 1987 में प्रकाशित हुआ। सीसी के किस संस्करण में पीएमईएसटी की अवधारणा का प्रयोग किया गया? द्वितीय संस्करण में। दोस्तों थोड़ी सी लंबी क्लास होगी लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड क्लास है, आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। एचडी क्वालिटी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों सीसी के किस संस्करण में सभी बेसिक क्लास के लिए अलग अलग फैक्ट फॉर्मूला प्रदान किया गया था? तृतीय संस्करण में। इसके अलावा सीसी के छठवें संस्करण का संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? सन 1963 में। सीसी के छठे संस्करण में रिप्रिंटेड संस्करण में टाइम फैसेट के लिए डॉट के स्थान पर किसका उपयोग किया? सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। ग्रीक लेटर्स के उपयोग को सीसी के किस संस्करण में अनदेखा किया गया? छठवें संस्करण में। सीसी के सातवें संस्करण को किन के द्वारा तैयार किया गया? नीला मेघन, गोपीनाथ व सीतारामा द्वारा। तो दोस्तों सीसी के जो सातवां संस्करण है वो नीला मेघन, गोपीनाथ व सीतारामा द्वारा तैयार किया गया। प्रत्येक बेसिक क्लास के लिए स्मॉल शेड्यूल सीसी के किस संस्करण में प्रदान किया गया? सातवें संस्करण में। सीसी के किन संस्करणों में नियमों और शेड्यूल में कई तरह के बदलाव किए गए थे? पांचवें और छठवें संस्करण में। सर्वप्रथम मूलभूत श्रेणी शब्द का प्रयोग कर प्रत्येक विषय या मुख्य वर्ग को पांच मूलभूत श्रेणी में विभाजित किसने किया था? दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन साहब ने सर्वप्रथम मूलभूत श्रेणी शब्द का प्रयोग कर प्रत्येक विषय या मुख्य वर्ग को पांच मूलभूत श्रेणी में विभाजित किया था। सीसी में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार की इंडेक्स को क्या कहा जाता है? उसको सब्जेक्ट इंडेक्स दोस्तों बोला जाता है। सीसी में कितने प्रकार के इंडेक्स प्रदान किए जाते हैं? सीसी में चार प्रकार के इंडेक्स प्रदान किए जाते हैं। पहला है जनरल इंडेक्स, दूसरा जियोग्राफिकल इंडेक्स, तीसरा बोटनी इंडेक्स और चौथा जूलॉजी इंडेक्स। यानी कि जो सीसी है उसमें चार प्रकार के इंडेक्स प्रदान किए जाते हैं, जनरल इंडेक्स, जियोग्राफिकल इंडेक्स, बोटनी इंडेक्स, जूलॉजी इंडेक्स।
रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पांच मूलभूत श्रेणी को PMEST को जोड़ने के लिए किन चिन्हों का प्रयोग सीसी के किस अंश को जोड़ने के लिए, यानी कि दोस्तों मैं एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट करता हूँ। रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पांच मूलभूत श्रेणियों PMEST को जोड़ने के लिए चिन्हों का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया, चतुर्थ श्रेणी में। पर्सनालिटी को किस चिन्ह से जोड़ा जाता है, कोमा द्वारा पर्सनालिटी को जोड़ा जाता है। मैटर को शब्द को जोड़ने के लिए सेमी कोलन, एनर्जी को जोड़ने के लिए कोलन, स्पेस को जोड़ने के लिए डॉट और टाइम को जोड़ने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा को काम में लिया जाता है। तो दोस्तों जो चतुर्थ संस्करण है सीसी का, उसमें PMEST को चिन्हों से जोड़ने के लिए चतुर्थ संस्करण में चिन्ह सीसी का प्रयोग किया गया, जिसमें पर्सनैलिटी को कोमा से जोड़ा जाता है, मैटर को सेमीकोलन से, एनर्जी को कोलन से, स्पेस को डॉट से और टाइम को सिंगल इन्वर्टेड कोमा से जोड़ा जाता है। दोस्तों आइसोलेट क्या है? आइसोलेट ज्ञान की एक इकाई है। ज्ञान की इकाई को ही आइसोलेट बोला जाता है। रंगनाथन द्वारा आइसोलेट को कितने वर्गों में बांटा गया? दोस्तों रंगनाथन साहब को द्वारा आइसोलेट को दो वर्गों में बांटा गया। पहला जो है वर्ग वो है ACI और दूसरा है PCI, यानी कि दो आइसोलेट बांटे गए रंगनाथन साहब द्वारा, ACI आइसोलेट और PCI आइसोलेट। किस प्रकार के आइसोलेट को विषय के साथ जोड़े जाने पर यह विषय के आगे का स्थान लेता है? ACI आइसोलेट। किस प्रकार के आइसोलेट को विषय के साथ जोड़े जाने पर यह विषय के पीछे का स्थान लेता है? PCI आइसोलेट। PCI आइसोलेट का पूरा नाम पोस्टीरियोजिंग कॉमन आइसोलेट, यानी कि PCI का पूरा नाम है दोस्तों पोस्टीरियोजिंग कॉमन आइसोलेट। इसी प्रकार ACI आइसोलेट का पूरा नाम है एंटीरियोजिंग कॉमन आइसोलेट। PCI मतलब पोस्टीरियोजिंग कॉमन आइसोलेट और ACI का मतलब एंटीरियोजिंग कॉमन आइसोलेट। किस प्रकार के आइसोलेट के लिए किसी योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती? ACI आइसोलेट के लिए किसी भी प्रकार के योजक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। और योजक चिन्ह की आवश्यकता किस प्रकार के आइसोलेट के लिए होती है? PCI के लिए। ACI दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? ACI आइसोलेट तीन प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन बिफोर स्पेस फेसिट, दूसरा है एप्लीकेशन आफ्टर स्पेस फेसिट और तीसरा है एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसिट। यानी कि जो ACI आइसोलेट है वो तीन प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन बिफोर स्पेस फेसिट, दूसरा एप्लीकेशन आफ्टर स्पेस फेसिट और तीसरा है एप्लीकेबल आफ्टर टाइम फेसिट। PCI आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? PCI आइसोलेट दो प्रकार के होते हैं, एनर्जी PCI और पर्सनैलिटी PCI। तो दोस्तों एनर्जी PCI को कोलन से और पर्सनैलिटी PCI को कोमा से इंडिकेट किया जाता है। पुस्तकालय वर्गीकरण का विकास कितने चरणों में होता है? दोस्तों मैं बता दूं कि पुस्तकालय वर्गीकरण का जो विकास है वो दो चरणों में होता है। कौन कौन से दो चरण है? पहला है विवरणात्मक या सामान्य सिद्धांत और दूसरा है विकसित गतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों थोड़ी सी लंबी होगी क्लास, आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ पुस्तकालय वर्गीकरण के। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से इस क्लास को पूरा देखिए, चाहे रिवाइंड करिए, इस वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन सुने, उसका आंसर सुने, वापस अपने माइंड में रिकॉल करें, वापस देखें। तो दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण का विकास दो चरणों में होता है। पहला चरण है विवरणात्मक या सामान्य सिद्धांत और दूसरा होता है विकसित गतिमान का सिद्धांत। दोस्तों विकसित गतिमान सिद्धांत यानी कि डायनेमिक थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि विकसित गतिमान या डायनेमिक थ्योरी के प्रतिपादक डॉक्टर रंगनाथन साहब है। पुस्तकालय वर्गीकरण को वैज्ञानिक भाषा प्रदान क्या कौन करता है? यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण को वैज्ञानिक भाषा पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत प्रदान करते हैं। दोस्तों विवरणात्मक सिद्धांत के संबंध वैज्ञानिक कौन है? जो विवरणात्मक जो सिद्धांत है उसके आप पक्ष लेते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं, उसमें ब्राउन है, बिल्स है, सेयर्स है और रिचर्डसन है। इसके अलावा ब्राउन की
वर्गीकरण पद्धति सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का प्रकाशन कब हुआ? सन 1906 में। बिल्स द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति का विकास किया गया? बिल्स द्वारा बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति का विकास किया गया। इसके अलावा दोस्तों, बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण पद्धति में बिल्स ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? 32 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उपसूत्र या कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया? सेयर्स ने अपनी बुक मैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में जो उपसूत्र है या कैनन है उसका, उस शब्द का प्रयोग सेयर्स ने अपनी पुस्तक कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में किया। दोस्तों, रंगनाथन ने अपने पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांतों को सर्वप्रथम कब और किस पुस्तक में प्रकाशित किया? सर्वप्रथम रंगनाथन ने 1937 में पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांतों को प्रकाशित किया। किस पुस्तक में किया? प्रोगेमला टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में इन्होंने प्रकाशित किया। रंगनाथन ने डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का विकास प्रोग्लेमा के किस संस्करण में किया था? दूसरे संस्करण में, सन 1957 में किया था। इसके अलावा प्रोग्लेमा के किस संस्करण में रंगनाथन ने डायनेमिक थ्योरी के सिद्धांत को और अधिक विकसित किया? तृतीय संस्करण, सन 1967 में। प्रोलेगोमेना के प्रथम संस्करण में कितने उपसूत्र या कैनन थे? 28। प्रोग्रामला के द्वितीय और तृतीय संस्करण में कितने उपसूत्र थे? द्वितीय में 35 उपसूत्र और तृतीय में 43 उपसूत्र थे। प्रोग्रामला के तृतीय संस्करण का ढांचा किस प्रकार से था? दोस्तों, प्रोलेगोमेना के जो तृतीय संस्करण था उसमें 11 नियम, 43 उपसूत्र, 18 सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, 13 अभिधारणा और 14 चार पक्ष अनुक्रम थे। यानी कि 11 नियम थे जो प्रोलेगोमेना है उसके जो तृतीय संस्करण है दोस्तों, उसमें 11 नियम, 43 उपसूत्र, 18 सहायक अनुक्रम के सिद्धांत, 13 अभिधारणा और 4 पक्ष अनुक्रम थे। अपने सिद्धांतों हेतु फेसेट एनालिसिस व जोन एनालिसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? डॉक्टर रंगनाथन साहब द्वारा किया गया। रंगनाथन ने कैनन शब्द के किस शब्द का प्रयोग किया उपसूत्र के लिए? डॉक्टर रंगनाथन साहब ने कैनन शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उपसूत्र का। वर्गीकरण के लिए प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस की सिद्धांत का वर्णन करता कौन है? डॉक्टर रंगनाथन। यानी वर्गीकरण के लिए प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस का जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत का वर्णन करता है वो डॉक्टर रंगनाथन साहब है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस का वर्णन करता भी डॉक्टर रंगनाथन साहब है दोस्तों। इसके अलावा दशा संबंध कितने प्रकार के होते हैं? दशा जो संबंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला अंतर्विषय, दूसरा अंतःपक्ष, तीसरा अंतःएकल। सीसी के 7वें संस्करण में कितने प्रकार के दशा संबंध थे? 6 प्रकार के या 6 तरह के दशा संबंध थे। किस प्रकार के दशा संबंध में एक ही फेसेट या एरे के दो आइसोलेट के मध्य संबंध होता है? अंतःएकल दशा संबंध। डीडीसी के किस संस्करण में फॉर्म डिवीजन का प्रयोग किया? तो दोस्तों, मैं बता दूं, डीडीसी के दूसरे संस्करण में फॉर्म डिवीजन शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई पुस्तकालय वर्गीकरण में, जिसमें हमने जाना कि वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण के जो बेसिक इंट्रो है उसका क्वेश्चन, उसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से इसकी विधियां होती है, इन सब क्वेश्चन को जाना। डीडीसी के बारे में, सीसी के बारे में, कैनन के बारे में हमने जाना, उपसूत्र के बारे में। इसके अलावा ACI, PCI, आइसोलेट, PMEST, कई प्रकार के टॉपिक का इसमें अध्ययन किया गया। तो दोस्तों, थोड़ा सा काफी लंबा टॉपिक हो गया, लगभग 1 घंटे का ये टॉपिक हो गया। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इस 1 घंटे के दौरान हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी दोस्तों, ये थी पुस्तकालय वर्गीकरण की। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी वो तो किसकी और कौन से टॉपिक की होगी, आप, मैं बता देता हूं आपको। जो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो पुस्तकालय सूचीकरण की होगी, यानी कि कैटालॉगिंग की होगी। वो भी दोस्तों थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो आप किसी भी
किसी भी, चाहे वो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की लाइब्रेरियन की कर रहे हो, डीएसएसपी की कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, ये दोनों क्लासेज जो पुस्तकालय वर्गीकरण है और जो पुस्तकालय सूचीकरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आप इन दोनों क्लासेज को पूरी अच्छे से पढ़ें, एक बार नहीं दो बार पढ़े मेरे कहने से, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने आप बताए हैं इसमें। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों कुछ कई दोस्त ऐसे हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि सर आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से फॉलो नहीं किया जा रहा, तो दोस्तों मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम को डाउनलोड करें, वहां पे अपना अकाउंट बनाएं, बाद में इस लिंक के माध्यम से हमें आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पुस्तकालय वर्गीकरण या लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का ये वीडियो आपको पसंद आए, ये क्वेश्चन पसंद आए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो और इस ऑनलाइन जो यूट्यूब क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्री यूट्यूब क्लासेस का आप सभी को मजा आ सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।